फैसलाबाद में पतंग की डोर से नौजवान की हलाकत में पुलिस ने बेहिसी भी उनकी सामने आ गई। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि शदीद जख्मी नौजवान मोटरसाइकिल से स्लिप हुआ तो करीब से मोटरसाइकिल सवार दो पुलिस अहलकार गुजरे, लेकिन गिरने वाले शहरी की मदद के लिए कुछ ना किया और चलते बने। वजीर आला पंजाब ने आईजी पंजाब से 48 घंटों में वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के पै दर पे वाकयात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सूबे भर में पतंगबाजी के सदेबाब और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत की है। शदीद जख्मी नौजवान मोटरसाइकिल से स्लिप हुआ तो करीब से मोटरसाइकिल सवार दो पुलिस अहलकार गुजरे, लेकिन गिरने वाले शहरी की मदद के लिए कुछ ना किया और चलते बने। वजीर आला पंजाब ने आईजी पंजाब से 48 घंटों में वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के पै दर पे वाकयात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सूबे भर में पतंगबाजी के सदेबाब और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत की है। शदीद जख्मी नौजवान मोटरसाइकिल से स्लिप हुआ तो करीब से मोटरसाइकिल सवार दो पुलिस अहलकार गुजरे, लेकिन गिरने वाले शहरी की मदद के लिए कुछ ना किया और चलते बने। वजीर आला पंजाब ने आईजी पंजाब से 48 घंटों में वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के पै दर पे वाकयात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सूबे भर में पतंगबाजी के सदेबाब और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत की है।